हे गाइस, डॉक्टर देवेंद्र राठौर हियर। वेलकम टू मॉडर्न हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। आज हम बात करेंगे कुछ फनीएस्ट क्वेश्चंस व्हिच इज आस्क ड्यूरिंग द पेंडेमिक। पेंडेमिक था, बहुत सारे लोग टेली कंसल्टेशन कर रहे थे, टेली मेडिसिन पे कंसल्ट कर रहे थे, मुझसे कंसल्ट कर रहे थे और किसी अन्य डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे थे। ड्यूरिंग दैट मेरे यूट्यूब वीडियोज़ या फिर ऑब्वियसली कहीं से उन्हें नंबर मिलता है और वो कुछ ना कुछ फनी सी क्वेश्चंस उनके जो रहते हैं वो ज़रूर पूछते रहते हैं इसके बारे में। तो आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे। होप सो बहुत लोगों की कोई जनरल क्वेरीज़ भी होंगी इसके बारे में, तो कोई किसी से पूछा नहीं होगा। तो मेरे पास ये दो मोबाइल हैं, एक मेरा पर्सनल मोबाइल है और एक क्लिनिक का मोबाइल है, तो दोनों में ही व्हाट्सएप है। तो व्हाट्सएप के थ्रू उन्होंने जो क्वेश्चंस पूछे हैं वो मैं लेता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन अगर देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन है, पूछा गया है 16 मई के आसपास का क्वेश्चन है। इसमें एक व्यक्ति ने पूछा है, नाम नहीं बताऊंगा, स्क्रीनशॉट रहा तो मैं ज़रूर बता दूंगा, वैक्सीन लेने के कितने घंटे बाद सेक्स कर सकते हैं। कोई सेंस है इस बात की? ठीक है, देखो यार, वैक्सीन अगर आपने लगाई है तो देखो क्या होता है ना, वैक्सीन लगाने के बाद आपके अंदर एक एंटीबॉडीज़ बनने की एक प्रोसीजर होती है। तो कुछ लोगों में फीवर आता है, किसी में नहीं आता, किसी को कमज़ोरी लगती है, ठीक है। तो ये सब आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं, ठीक है। लेकिन वैक्सीन लगाए तो रेस्ट करें, थोड़े बहुत टाइम के लिए रिलैक्स करें, ठीक है। तो ये आपके लिए बेटर रहेगा ऑब्वियसली, है ना। एक ने एक फ़ोटो शेयर करके भेजा कि दादा ये आप हो क्या? ये फोटो है अगर मेरी आँखें अगर ऐसा देखूँगा मैं तो यूपर देख रहा हूँ यार, ये तो मुझे भी नहीं समझ आ रहा है। तो मतलब मेरे भी देखा था तो मुझे भी ऐसा लगा था कि यार ये मैं ही हूँ कहीं, लिटरली, है ना। तो मतलब ये आप हो तो भाई साहब, ये ऐसा नहीं हूँ मैं, मुझे वैक्सीन लगी थी तो मैं तो बस वैक्सीन की तरफ ही देख रहा था और आगे कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वैक्सीन के बारे में क्वेश्चन है दो तीन, वो मैं आपको बता देता हूँ, जो कि वैक्सीन के बारे में बहुत सारी चीज़ें पूछी हैं। कोविशील्ड लगाएं या कोवैक्सीन, ये तो देखो यार जो मिल रही है वो लगा लो आप, उसके बारे में तो और क्या बताएं, ठीक है। और बस ये था एक। हाँ, मैं फ्रेंकली बताऊँ कि मैंने कोविड इज़ मतलब मेरी फील्ड है ही नहीं, मतलब ऑब्वियसली मैं मतलब एक देखा जाए तो ये अगर देखा जाए तो बहुत मतलब लंग्स स्पेशलिस्ट, चेस्ट स्पेशलिस्ट जो रहते हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट होते हैं, उनकी फील्ड है। लेकिन हाँ, ये वाली बात ज़रूर है कि ड्यूरिंग द पेंडेमिक बहुत सारे लोगों ने डिसीज़ के बारे में पूछा है, उन्होंने रिपोर्ट्स शेयर करी। अगर मैं मानोगे नहीं तो एक एक दिन में 25-25, 30-30, 40-40 सीटी स्कैन देखे हैं, ठीक है, जब पीक पर था कोरोना, ठीक है। तो उस टाइम पर ऑब्वियसली पेशेंट्स को गाइड तो करते थे, लेकिन इस तरह का गाइडेंस भैया ऐसा है कि ये सब चीज़ें आप पर डिपेंड करती है, ये सब चीज़ें मेरे से मत पूछो, है ना, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है ना, और क्वेश्चन हम लेते हैं। एक ने मुझे फ़ोटोज़ भेजी थी, एक पेशेंट है, उनका हेयर लॉस का प्रॉब्लम है, बहुत पहले से पुराना हेयर लॉस का प्रॉब्लम है मुझे, और सन 2016 से मैं हेयर लॉस के कारण परेशान हो रहा हूँ, लेकिन ये इसका अभी तक कोई सा भी मुझे प्रभाव नहीं दिखा है। और मतलब 2016 से मैं ट्रीटमेंट ले रहा था किसी से, लेकिन प्रभाव नहीं दिखा था। 2018 में आपसे कांटेक्ट किया, लेकिन उस टाइम पर मैं आपसे बाद में कांटेक्ट कर नहीं पाया। आपने मुझे दवाइयां भेजी थी शुरू में एक महीने की, लेकिन फ़र्क पड़ा, लेकिन उसके बाद मुझे रिज़ल्ट मतलब मिल गया था तो मैंने छोड़ दिया थोड़े टाइम के लिए। मैंने सोचा बाद में इलाज शुरू करूँगा, लेकिन फिर मैं इलाज शुरू नहीं कर पाया हूँ। अब मैं इलाज शुरू करना चाहता हूँ। मैं अगर बात करूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन रहने लगा है। तो हाँ भैया, देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, हेयर लॉस में पेशेंट लिटरली मेरे पास आके डिप्रेस्ड रहते हैं। अगर स्पेशली वुमेन में बात करूँ तो मतलब है ना, उन्हें रोना आ जाता है, और हेयर लॉस अगर ऐसी कंडीशन है तो ऑब्वियसली यार इन सब चीज़ों, दिस इज़ टाइप ऑफ डिसीज़, ठीक है। हर चीज़ का मैनेजमेंट होता है, उसका इलाज लो और प्रोटोकॉल फॉलो करो, है ना। उस चीज़ को इतना मतलब स्ट्रेस आउट मत करो कि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ पर पड़ने लगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली इन सब चीज़ों के बारे में इतना ज़्यादा मत सोचो, ठीक है। तो मतलब मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा सोचना नहीं है किसी भी डिसीज़ के बारे में। आप उसका नेगेटिव इम्पैक्ट रखता है कि आप, कुछ लोग ज़्यादा उसके बारे में सोचते रहते हैं, ज़्यादा उसके बारे में ही हमेशा दिमाग में चलता रहता है। तो इस तरह से चीज़ें मतलब अवॉइड करो, है ना, इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है।
हाँ, एक क्वेश्चन और है, ड्यूरिंग आफ्टर वैक्सीन, वैक्सीन लेने के बाद क्या शराब पी सकते हैं? तो यार देखो, अभी तक तो ऐसा कुछ इंट्रैक्शन दिखा नहीं है, जहाँ पर भी मैंने पढ़ा है कि वैक्सीन लेने के बाद मतलब आप ड्रिंक नहीं कर सकते हो। और इवन यूएसए में ऐसा कुछ हुआ था कि आफ्टर वैक्सीन के बाद आपको बियर्स की बॉटल्स दे रहे थे वहाँ पर, ठीक है, लिटरली यू कैन सर्च, है ना, और सर्च करना, और ऑब्वियसली ये सब चीज़ें हैं। तो वैक्सीन का और ऐसा कुछ इफेक्ट नहीं है। हैवी ड्रिंकर हो, बहुत ज़्यादा ड्रिंकर हो, तो ऑब्वियसली आपकी इम्यूनिटी तो डाउन रहेगी, सही। तो ऑब्वियसली उस वाली कंडीशन में तो वैक्सीन किसी डॉक्टर से भी कंसल्ट करोगे तो वो मना ही करेगा कि आप मत पियो। लेकिन हाँ, अगर आप ओकेशनल ड्रिंकर हो तो वैक्सीन के एक दो दिन रुक जाओ यार, क्या है, कोई ऐसा पहाड़ नहीं टूटने वाला उस चीज़ का, है ना, ये सब चीज़ें।